आज हम अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करेंगे Xiaomi Mi Band 3 का और जानेंगे कि आप इसे कहां से खरीद सकते हैं, इसका प्राइस कितना है और आपको क्या क्या इसमें बेटर चीज मिल जाता है और बैंड के मुकाबले में। तो चलिए देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा ताकि आने वाले किसी वीडियो को आप मिस ना करें। दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स मुझे यहां पर gearbest.com से आया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इसे gearbest वेबसाइट से खरीद सकते हैं। देख सकते हैं बॉक्स का आगे का डिजाइन कुछ इस तरह यहां पर दिया गया है, काफी छोटा सा बॉक्स है, व्हाइट कलर का है और आगे में आपको बैंड यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बॉक्स के पीछे के साइड में कुछ चाइनीज में यहां पर मेंशन किया गया है जिससे कि आप और हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो चलिए इसे यहाँ पर स्किप कर देते हैं। और बॉक्स के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं Xiaomi यानी MI का ब्रांडिंग मिल जाता है और बॉक्स के दूसरे साइड देख सकते हैं आपको यहाँ पर सील के साथ यहाँ पर MI का ब्रांडिंग मिल जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बॉक्स हमें यहाँ पर मिला हुआ है Xiaomi Mi Band 3 का, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो आपको एक कार्डबोर्ड में देखेंगे इस तरह का यहाँ पर बैंड का जो मेन पार्ट है यहाँ पर दिया गया है, इसे मैं साइड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको बॉक्स में एक कमाल के क्वालिटी वाला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रेप मिल जाता है जो ब्लैक कलर का मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, जिसका क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी कमाल है, काफ़ी बढ़िया है, कोई भी आपको फील नहीं होगा, आपके हाथ में कहीं भी चुभेगा नहीं, काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है। और उसके बाद दोस्तों आपको बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि फुल्ली चाइनीज में है। उसके बाद दोस्तों लास्ट कंटेंट यहाँ पर देखेंगे, बॉक्स में आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि यही चार्जर सिर्फ इस बैंड के साथ काम करेगा, तो आपको ध्यान देना है कि इसे आपको खोना नहीं है। तो दोस्तों बॉक्स में आपको कुल मिलाकर ये सब सारे सामान मिल जाते हैं। अब चलिए दोस्तों इस स्ट्रैप के साथ इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है और किस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे, क्या क्या आपको फंक्शन इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसे आप अपने इस तरह से इसे लगा सकते हैं अपने स्ट्रैप के साथ। उसके बाद दोस्तों आपको Mi Fit का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने फोन में, उसके बाद इसे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद आपका जो बैंड है रेडी हो जाएगा आपके काम के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिजाइन किस तरह का यहाँ पर दिया गया है, काफी अच्छा यहाँ पर आपको दिखने में मिल जाता है। दोस्तों इसका डिस्प्ले है 0.7 इंच का OLED डिस्प्ले है जो कि काफी अच्छा क्वालिटी के साथ आपको मिल जाता है Mi Band 2 के मुकाबले। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बैंड में आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन के सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं, इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, पेडोमीटर मिल जाता है और बहुत सारी एक्टिविटी आप इसके साथ कर सकते हैं। इसका आप वॉच फेस को भी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, आपका सारा मैसेज भी आपके बैंड में ही दिखाई देगा जो कि काफी बढ़िया फीचर है। इसमें आपको कॉल नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, जी हाँ आप अपने फोन को भी इस बैंड के साथ अनलॉक कर पाएंगे। इसमें आपको स्लिप मॉनिटर भी मिल जाता है। तो दोस्तों लगभग आपको इस बैंड में सारे कुछ यहाँ पर फीचर मिल जाएंगे जो कि एक बैंड में होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 110 mAh का बैटरी मिल जाता है जिसे कि चार्ज करने में लगभग आपको 2.5 घंटा लग जाएगा और इसका बैटरी बैकअप जो है लगभग आपको यहाँ पर 20 से 25 दिन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों ये बैंड आपको यहाँ पर 50 मीटर तक वाटरप्रूफ भी आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छा यहाँ पर आपको फीचर इस बैंड के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बैंड काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर कमी भी है जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसे मैं लगभग 20 दिन से यूज कर रहा हूं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसके स्क्रीन पर बहुत सारे स्क्रैच आ चुके हैं। अगर आप इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्क्रीन गार्ड लेना होगा। स्क्रीन क्वालिटी काफी अच्छा है लेकिन यहां पर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है मुझे ऐसा लगता है। दूसरा कमी इसमें मुझे लगा इसका टच, जी हाँ इसमें काफी अच्छा टच दिया गया है लेकिन कभी कभी ये जो है काम करना बंद कर देता है, उतना ये सेंसिटिव नहीं है, तो ये भी Xiaomi को ध्यान देना होगा इस बैंड के साथ। और तीसरा कमी लगा इसे आप बाहर अगर यूज करेंगे तो इसमें आपको टाइम एंड डेट दिखाई नहीं देगा। जी हाँ ये बाहर में अगर धूप इस पे पड़ता है तो इसका जो स्क्रीन है दिखाई नहीं देता है अच्छे तरीके से, तो ये भी मुझे इस बैंड के साथ कमी दिखाई दिया। और दोस्तों यहाँ पर चौथा कमी है ये हार्ट रेट मॉनिटर जो है इसका कभी कभी काम नहीं करता है। यहाँ पर अगर 10 बार आप इसे ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 6 बार इसका हार्ट रेट मॉनिटर काम नहीं करता है, तो Xiaomi इसे अपडेट के मदद से फिक्स कर सकता है। तो ये सारी कमी मुझे इस बैंड के साथ लगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ये सारी कमी इस बैंड के साथ बताया होगा। मैं इसे लगभग 20 दिन से यूज कर रहा हूं तभी मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बैंड यहां पर इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा है, सबसे बेटर है। जी हां आप इसे खरीद सकते हैं, इसका प्राइस आपको 2000 से लेकर 2200 तक gearbest.com पर आपको मिल जाएगा। वैसे ये बैंड इंडिया में भी लॉन्च होगा लगभग 2000 के रेंज में, तो अगर आप यहां पर वेट कर सकते हैं तो वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अभी ही खरीद सकते हैं, आपको कोई भी कस्टम चार्ज देना नहीं पड़ेगा। इसके खरीदने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस बैंड को खरीद सकते हैं जो कि काफी कमाल का बैंड है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया गया इस बैंड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।